अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया का जो त्यौहार आने वाला है रक्षाबंधन के बारे में, कि रक्षाबंधन इंडिया में कब होता है और रक्षाबंधन का क्या मतलब है और उसको हिंदू क्यों मनाते हैं। तो सारा कुछ इसी वीडियो में डिटेल के साथ बताने वाला हूं। तो प्लीज़ इससे पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें अगर आप अपने भाई को या अपनी बहन को प्यार करते हैं, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी लाजमी करिएगा। तो सबसे हम पहले बात कर लेते हैं कि रक्षाबंधन होता क्या है। रक्षाबंधन हिंदू कमरी तकवीम के महीने आखिरी दिन मनाया जाता है, जो आम तौर पर अगस्त में आता है। लफ्ज रक्षाबंधन संस्कृत लफ्जी तौर पर तहफ्फुज़, जिम्मेदारी या निगहदाश्त का पाबंद होता है। अब इस रस्म पर बुनियादी तौर पर लागू होता है, यानी कि रक्षाबंधन में एक बहन अपने भाई के कलाई के ऊपर एक धागा बांधती है। ये धागा कोई आम धागा नहीं होता, हिंदुओं के मुताबिक इन बहन भाई के प्यार में ये सबसे मजबूत धागा होता है और इसे कोई तोड़ नहीं सकता। और इस धागे बांधने के बाद भाई अपनी तरफ से अपनी बहन को कोई गिफ्ट देता है, और आप क्या गिफ्ट दोगे आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी से बताना है कि इस रक्षाबंधन में आप अपनी बहन को क्या गिफ्ट देने वाले हैं। और लास्ट में आपको बता देता हूँ कि रक्षाबंधन इंडिया में कब होगा। तो बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि यार भाई कब होगा रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन हर अगस्त में होता है, अगस्त की 3 तारीख को होता है। तो अगस्त की 3 तारीख को रक्षाबंधन होगा, तो आप अपने तमाम जो भी आपकी बहनें हैं तो उससे आप धागा बनवा सकते हैं, रक्षाबंधन करवा सकते हैं और गिफ्ट लाजमी उसको देना है। ये नहीं कि सिर्फ आपने कलाई पर धागा तो बनवा लिया लेकिन आपने उसको गिफ्ट नहीं दिया। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को नोटिफिकेशन पे लाजमी सेट करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।